इस वक्त की बड़ी खबर बमीठा से आ रही है, जहां बमीठा में लापता बच्चे का शव कुएं में तैरता मिला है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको छतरपुर जिले के बमीठा से, जहां बमीठा में लापता बच्चे का शव कुएं में तैरता मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। रविंद्र, बच्चे का शव कुएं में तैरता मिला है, क्या है ये पूरा मामला? जी समीर जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा मामला है ये कल शाम का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ जो ओम प्रकाश गुप्ता है उनके बच्चे 15 जून का बच्चा, 15 माह का बच्चा था, वो कल शाम से ही लापता हो गया था, जिसकी तलाश जारी थी। परिवार जो परिजन है, परिजन के द्वारा तलाश की गई, जब तलाश में परिजनों को उसकी कोई सूचना नहीं लगी, कोई सुराग नहीं लगा, तो उन्होंने मौके पर जाके थाने में पुलिस को भी इसके संबंध में शिकायत की। रविंद्र, इस घटना के पीछे का क्या कारण माना जाए, क्या आपने पुलिस से बात करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना है उनका? जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि ये जो पूरा मामला है, ये जब पुलिस के संबंध में बात की गई तो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि ये जो कारण है बच्चे के जो शव मिलने का, ये कारण अज्ञात बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और स्पॉट पे डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा भी जांच जारी है। रविंद्र, बताया जा रहा है कल शाम से बच्चा लापता रहा है, क्या किसकी लापरवाही माना जाए इस घटना के पीछे? जी बिल्कुल बता दूं ये आपको कि जब ये शाम के जो बच्चा इनका लापता हुआ है, इसके द्वारा परिजनों के द्वारा मौके पर ही तुरंत बच्चे की तलाश की गई। हालांकि बच्चे का जब पता नहीं चला तो थाने में FIR की गई, उन्हें जहाँ तो पुलिस के द्वारा भी जाँच शुरू की। हालांकि सुबह से 3 से 4 बजे के लगभग जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि ये जो बच्चा है ये कुएं में बच्चे का सब पैसा मिला, तो पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर बच्चे को बाहर निकाला गया और PM के लिए राजनगर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। ये खबर बता रहे हैं बमीठा थाना क्षेत्र से, जहां लापता हुए बच्चे का शव कुएं में तैरता मिला है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।